Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर निर्मला गुप्ता। अक्टूबर माह के शुरुआती दौर में कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा सोशल मीडिया पर पोल करवाया गया था कि सीजीपीएससी 2019 मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को हमारी संस्था द्वारा अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने हेतु निःशुल्क किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। द्वारा पिछले वर्षों के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उनके विश्लेषण या एनालिसिस की डिमांड की गई है, तो इसीलिए कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा जो है मेंस एनालिसिस सीरीज लाया जा रहा है। और इस सीरीज में आपको हर एक प्रश्न पत्र जो कि मुख्य परीक्षा में 7 प्रश्न पत्र होते हैं उसमें जितने भी संबंधित विषय हैं उन सारे संबंधित विषय के विषय विशेषज्ञों के द्वारा जो है मेंस के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस किया जाएगा। और इस एनालिसिस में जो पूर्व में पूछे जा चुके प्रश्न हैं या किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और आप अपने उत्तर लेखन शैली को और भी कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसीलिए मैं डॉक्टर निर्मला गुप्ता प्रश्न पत्र 4 के भाग 1 जिसमें कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में जो है एक पूरा सेक्शन है, उस सेक्शन या भाग 1 के जीव विज्ञान वाले पोर्शन से मैं डील करूंगी। तो चलिए, जो अभी तक पूर्व में पूछे जा चुके हैं यानी 3 वर्षों के हम प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस करेंगे, यानी 2016, 2017 और 2018। तो चलिए हम इस जो है मेंस एनालिसिस के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार के होते हैं और कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कितने वर्ड्स जो हैं हमें लिखने होते हैं या उनकी वर्ड लिमिट कितनी होती है, तो हम ये देखते हैं कि हम किस प्रकार जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हें और कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें ताकि हमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उन क्वेश्चंस में मिल सके। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पॉलीटिन गुणसूत्र क्या होते हैं, वे कहाँ पाए जाते हैं, इनके फुले हुए स्थानों को क्या कहा जाता है। तो व्हाट आर पॉलीटिन क्रोमोसोम्स, वेयर आर दे फाउंड एंड व्हाट आर देयर पफ्ड एरियाज आर कॉल्ड। सबसे पहले तो ध्यान में देने वाली बात यह होती है कि जब भी हम 2 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें यानी उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो कितनी होती है, उनकी शब्द सीमा होती है 30 वर्ड्स की, तो यहाँ पर हमें क्या कर दिया जाता है, बाध्य कर दिया जाता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट जो है सिर्फ वहाँ पे फैक्ट्स प्रोवाइड करें, हम वहाँ पे कोई भी जो चीज़ है जो भी फैक्ट्स हैं उन्हें हम घुमा फिरा के नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें 30 वर्ड्स में अपने जो पूरे के पूरा नॉलेज है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में वहाँ पे हमें प्रेजेंट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जीव विज्ञान में ये होती है, बायोलॉजी में ये होती है कि अगर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें अगर किसी भी प्रकार का फ्लो चार्ट या डायग्राम जो है वो हो सकता है तो वो जरूर ड्रॉ करें। क्यों? क्योंकि जीव विज्ञान इट मींस आप अपने आंसर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो है पता चलता है कि आपको इस जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसके बारे में कितना ज़्यादा नॉलेज है और आप कम से कम शब्दों में आप अपने आंसर को प्रेजेंट
कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न हमने देखा जिसमें कि ये पूछा गया कि पॉलीटीन क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली में होते क्या हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं और साथ ही साथ इनमें जो पफ्ड एरियाज होते हैं उन्हें कहाँ क्या जाता है। तो यहाँ पर हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि पॉलीटीन गुणसूत्र क्या होते हैं। तो पॉलीटीन गुणसूत्र जो है उसे हमने एक से डेढ़ लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल सी चीज है। दूसरा ये पूछा गया कि वेयर आर दे फाउंड, वे मिलते कहाँ हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं ये ड्रोसोफिला में पाए जाते हैं। अब ड्रोसोफिला के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, तो सिंपली आप सेकेंड लाइन के जो आधा वाला पोर्शन बचा था तो उसमें आपने लिख दिया कि ड्रोसोफिला के इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो है वो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। थर्ड लाइन में आप ये बताएंगे कि ये पफ्ड एरियाज होते क्या हैं एग्जैक्टली में और वो जो है उन्हें कहा क्या जाता है। तो इस प्रकार आपने बहुत ही कम शब्दों में क्वेश्चन की जो डिमांड थी उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिया। अब अगर ये पॉलीटीन गुणसूत्र जो है इसके डायग्राम जो है अगर आप बना सकते हैं तो ये और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पेज ऑफ योर मेन्स आंसर शीट, ये मेन आंसर शीट का जो है आपका पेज है। फॉर एग्जाम्पल ये जो है तीन लाइन आपको इस प्रश्न के लिए दिए गए हैं, आप सिंपली क्या करेंगे इतना पोर्शन जो है आप अपने डायग्राम के लिए रख दें। इतना पोर्शन आपने क्या किया, डायग्राम के लिए रख दिया और इतने पोर्शन में अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया। तो इस पोर्शन में आपने डायग्राम बना लिया, इस पोर्शन में आपने आंसर एक्सप्लेन कर दी। तो इससे ये पता चलेगा कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट जो है पता है अबाउट द पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो ये हुआ पहले वाले प्रश्न के बारे में। दूसरे प्रश्न में चलते हैं, कीट भक्षी पौधों के दो उदाहरण दीजिए। कीट भक्षी पौधों के हमें दो उदाहरण देने हैं और ये पौधे कीट भक्षण क्यों करते हैं ये हमें बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है कि हमें पहले लाइन में ये बताना है कि कीट भक्षी पौधों का उदाहरण क्या क्या है और वो भी सिर्फ दो उदाहरण। हमें ये स्टार्ट नहीं करना है कि कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं फिर हम उदाहरण दें, तो इसी में क्या होगा हमारा जो 30 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो क्वेश्चन का डिमांड है उसे हमें ध्यान में रखना है कि कीट भक्षी जो पौधे हैं उनके दो उदाहरण देने हैं हमें। तो हमने दो उदाहरण सिंपली लिख दिया। अब ये जो पौधे होते हैं ये कीट भक्षण करते क्यों हैं, तो ये रीजन हमें समझाना है जो कि जितने वर्ड्स हमारे लेफ्ट बचे इस एग्जाम्पल को देने के बाद। अगर आपको लगता है कि आपके जो 30 वर्ड्स हैं वो इसके लिखने के बावजूद भी आपके कुछ वर्ड्स बच जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा इंसेक्टिवोरस या कीट भक्षी पौधे डालिए और उसका डेफिनेशन कोशिश कीजिए कि बहुत ही कंसाइज वे में लिखे, दो उदाहरण दीजिए और फिर ये समझा दीजिए कि वो कीट भक्षण करते क्यों हैं। डेफिनेशन आप तब देंगे जब आपको लगेगा कि 30 वर्ड्स जो हैं वो उससे ज़्यादा जो है आप इस प्रश्न में नहीं लिख सकते और ये जो प्रश्न है वो आपके 20 वर्ड्स में कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो आप डेफिनेशन की ओर जाएंगे। अदरवाइज इस क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं पूछा है इसीलिए हमें डेफिनेशन में नहीं जाना है और सिंपली हमें दो एग्जाम्पल समझा के उनका जो है रीजन समझाना है कि वो कीट भक्षण या इंसेक्ट्स को क्यों ईट करते हैं, तो ये रीजन हमें सिंपली वहां पे देना है। बट अगर हम चाहें और अगर हमारा जो आंसर है उसे लिखने के बाद आपको लगता है कि और जो है वहां पे मार्जिन बच सकता है कुछ लिखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं उसका डेफिनेशन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है परासरण नियमन क्या होता है या व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले तो हमें ये समझाना है इस प्रश्न में कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। अब ऑस्मो रेगुलेशन समझाने के बाद आप ये समझाएंगे कि ह्यूमन बॉडी में ये जो ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस है उसे रेगुलेट कौन सा ऑर्गन करता है। ऐसा प्रश्न में पूछा नहीं गया बट स्टिल अगर आप
ये परासरण नियमन समझाने के बाद अगर आप ये लिख दें कि मानव शरीर में परासरण नियमन या ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट या नियंत्रित कौन सा ऑर्गन करता है, तो ये क्या करेगा, आपके उत्तर शैली को और भी एनहांस करेगा और आपके आंसर राइटिंग को जो है बहुत ही नरिश करेगा, और सामने वाले को जो जो चेकर है, जो पेपर चेक कर रहे हैं, उन्हें ये लगेगा कि यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन और आपको ये भी पता है कि मानव शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट कौन करता है। तो ये हुआ ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। जैसा हमने देखा कि सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर डायग्राम या फ्लो चार्ट्स का कोई भी ऐसा कुछ प्लानिंग हम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने क्या किया, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो जिस प्रकार हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने ये लिखा कि कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, सबसे पहले उदाहरण दे दिया और फिर वो रीजन समझाया या हम ये समझाएंगे कि वो इन्हें क्यों खाते हैं। उसी प्रकार ऑस्मोरेगुलेशन या परासरण नियमन क्या होता है, सबसे पहले हमने वो समझाया, फिर मानव शरीर में ये जो परासरण नियमन होता है इसे नियंत्रित करने के लिए जो है वो निम्नलिखित ऑर्गेन या अंग होते हैं, इस प्रकार आप अपने उत्तर को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले चार मुख्य कारकों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न में हम सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में न बताकर, अगर हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले चार निम्नलिखित जो हैं कारक हैं, सबसे पहले हमने सपोज डाला लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार हमने वो जो चार कारक हैं वो लिख दिए, और किस प्रकार उनका कंसंट्रेशन अधिक या कम होने से किस प्रकार वो प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करेंगे वो हमें बताना ज़्यादा ज़रूरी है, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन दें। हमारे प्रश्न में पूछा क्या गया है, उस प्रश्न के पहले हमें डिमांड को समझना है। तो जैसे ही हमने डिमांड समझ लिया, फिर अगर हम प्रश्न का उत्तर दें तो क्या होगा, हमारी जो उत्तर होगी वो अन्य उत्तर शैलियों से या जो दूसरे आंसर शीट्स हैं उनसे बेहतर हो सकती है। तो इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक हैं, चार कारकों का नाम लिखते हुए वो किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को, ये आप समझाइए। और ये भी याद रखना है कि हमारी जो शब्द सीमा है वो कितनी है। अब हम देखते हैं कि 2017 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम किस प्रकार और भी बेहतर लिख सकते हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि की असक्रियता से मधुमेह होता है और क्यों? Dysfunction of which endocrine gland leads to diabetes and why? तो जैसा कि आप ये क्वेश्चन का जो डिमांड है वो ये पूछ रहा है सबसे पहले कि कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसकी असक्रियता के कारण मधुमेह होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये बता दिया कि वो अग्नाशय है यानी पैंक्रियाज है, अब पैंक्रियाज के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है जिसके कम या ज्यादा होने के कारण मधुमेह हो रहा है, तो उसे आप लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन लिखा आपने, अब इंसुलिन जो है वो किस प्रकार उसकी असक्रियता के कारण क्या हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, तो वो आप क्या करेंगे वहां पर रीजन देंगे। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, इस आंसर के लिए उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखा। तो सबसे पहले आपने नाम दे दिया कि उस अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम जो है, जो भी डैश डैश आपने अग्नाशय या पैंक्रियाज लिखा। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा कि इस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है जिसके लेवल के ऊपर या नीचे होने के कारण मधुमेह होता है, तो आपने उसका नाम लिख दिया, सपोज इंसुलिन। अब थर्ड पॉइंट में आप उसका रीजन लिखेंगे या कारण लिखेंगे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन के डिमांड को समझते हुए आपने क्या किया, अपना आंसर लिखा। सेकेंड में आते हैं हम, स्तरीकरण वृद्धि प्रजनन क्या होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लेयरिंग।
इस प्रश्न में आप क्या कर सकते हैं, आप डायग्राम की हेल्प से जो है इसे समझा सकते हैं किस प्रकार की आप जो है यहाँ पर लेयरिंग किस प्रकार की जाती है उसका डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वृद्धि प्रजनन में स्तरीकरण जो है वो क्या होता है आप उसको जो है तीन लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए विद डायग्राम। तो ये क्या करेगा, आपके आंसर को और भी एनहांस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज सिंबायोटिक रिलेशनशिप यानी सहजीवी संबंध क्या होता है। तो सिंबायोटिक रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है उसे आप समझाइए सबसे पहले, उसके उदाहरण दीजिए कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि इस सिंबायोटिक रिलेशनशिप में या सहजीवी या सहजीविता शो करते हैं। तो ये जो सिंबायोटिक रिलेशनशिप है ये एक प्रकार का टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का भाग है, यानी कि एक प्रकार का पोषण प्राप्त करने का तरीका होता है जिसमें दो जीव जो होते हैं वो एक दूसरे के परस्पर संबंध में रहते हुए एक दूसरे के डिमांड को पूरा करते हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो इसे कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इसे आप सबसे पहले समझाइए कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसकी जरूरत क्यों होती है और फिर आप उदाहरण दीजिए। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं इसमें अगर आप इस प्रश्न को समझाते हैं तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए यानी व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है तो उसे समझाने के लिए आप सबसे पहले ये बताएंगे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। दूसरे पॉइंट में आपका क्या रहेगा, दूसरे पॉइंट में उसका आपका इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप उसे एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो भी श्वसन क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। और भी अच्छे लैंग्वेज को वर्ड्स को यूज करते हुए आप अपने जो है उत्तर को लिखें। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो इक्वेशन होगा कि किस प्रकार ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे इथाइल अल्कोहल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। अब इसी एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप थर्ड पॉइंट ये बताएंगे कि अगर पार्शियल जो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो किस प्रकार जो है मसल सेल्स में ह्यूमन बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो तीसरे पॉइंट में आप ये भी समझा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ दो पॉइंट्स को समझाएं कि अवायवीय श्वसन क्रिया क्या होती है और उसके इक्वेशन को लिख दें तो भी जो है वो इस प्रश्न के डिमांड को कंप्लीट करेगा। 2018 में पूछे गए प्रश्न, रोपण क्या है, पौधों में यह किस प्रकार किया जाता है। इट मीन्स व्हाट इज ग्राफ्टिंग एंड हाउ इट इज डन इन प्लांट्स। तो सिंपल है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में किया जाता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर मेंस आंसर शीट, ये जो है ये आपके तीन लाइन जो है दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना डायग्राम बनाएंगे और ये जो पोर्शन है आप अपने आंसर राइटिंग के लिए यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ध्यान में रखिए कि जीव विज्ञान है, यानी अगर आप डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को समझा रहे हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में जरूर मदद करेगा। तो इस प्रकार आप ग्राफ्टिंग को लिखिए और ये जो है किस प्रकार किया जाता है ये लिखिए, ये दो पॉइंट्स हो गए और थर्ड जो है वो आपका डायग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, तंत्रिका कोशिका की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल। यानी यहाँ पर आपको तंत्रिका कोशिका को समझाते हुए उसके स्ट्रक्चर का या उसकी संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो जहाँ पे डायग्राम दिया या स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है तो आपको वहाँ पर डायग्राम जो है वो ज़रूर शो करना है। तो जैसे कि ये हमारे दो नंबर का प्रश्न है तो हमें अलॉट किए गए हैं थ्री लाइन्स। तो आपने क्या किया, ये जो इतना पोर्शन है आपने इसके डायग्राम के लिए अलॉट कर दिया। यहाँ पर डायग्राम बनाइए और इस पोर्शन में आप क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझाएंगे। अब इसके स्ट्रक्चर को समझाते हुए आप चाहे तो इसे पॉइंट वाइज समझाइए, पॉइंट वाइज समझाएं तो और भी अच्छा, चाहे तो पैराग्राफ में भी समझा सकते हैं।
तो आपने सबसे पहले ये बताया तंत्रिका कोशिका क्या होती है, एक लाइन में समझाइए, फिर आप क्या करेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि एक्सॉन होते हैं, दूसरा जो है डेंड्राइट्स होते हैं, और जो थर्ड पोर्शन है सेल बॉडी क्या होता है आप ये समझाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप अपने आंसर राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभ्रूणता क्या होती है, इसे उदाहरण सहित समझाइए। अब ये है व्हाट इज पॉली एम्ब्रियोनी, आपको सबसे पहले ये बताना है कि बहुभ्रूणता क्या होती है और ये कौन से पादपों में पाया जाता है, ये प्लांट्स में पॉली एम्ब्रियोनी होता है, उन प्लांट्स का एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो ये जो है आपको 3 लाइन में या 30 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है आपका सेक्शन 2, यानी उत्तर की शब्द सीमा जो है वो 60 है और अंक इसका क्या है 4 अंक के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है पर परागण क्या होता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है, इसकी विभिन्न विधियों को समझाइए। यानी क्रॉस पॉलिनेशन सबसे पहले क्या होता है आपको ये समझाना है, और साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट मोड्स होते हैं उन्हें समझाना है। तो ये जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला पार्ट है इसमें आपको डायग्राम जो है वो ज़रूर बनाना है, ये शो करते हुए कि किस प्रकार जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण की जो क्रिया होती है वो पादपों में संपन्न होती है, और साथ ही साथ इसके जो डिफरेंट मोड्स होते हैं उनके नाम आप सिर्फ बता दीजिए। तो यहाँ पर हमें मोड्स को एक्सप्लेन नहीं करना, आपको यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण एक्सप्लेन करना है, उसका डायग्राम बनाना है, और जो दूसरे या वेरियस मोड्स होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के उनके केवल नाम लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो क्वेश्चन है वो है हृदय के किस भाग को पेसमेकर कहते हैं और क्यों कहते हैं, विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड पेसमेकर एंड व्हाई इज इट सो। तो हमें इस प्रश्न में जो है हार्ट का डायग्राम आप चाहें तो बना भी सकते हैं, और आप वो जो पार्ट है जिसे पेसमेकर कहा जाता है आप उसे शो कर दीजिए। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को 2 पॉइंट्स में कंप्लीट करेंगे कि कौन सा जो पार्ट है हार्ट का उसे पेसमेकर कहा जाता है, और सेकंड जो पॉइंट है वो है रीजन कि उस पार्ट को पेसमेकर क्यों कहा जाता है, और हार्ट का एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाते हुए उस पार्ट का जो लोकेशन है हार्ट में आप उसे शो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हृदय घात या रोध गलन क्या होता है, इसके इलाज का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स ट्रीटमेंट। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये बताना है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको समझाना है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपका जो है 2 पॉइंट में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है और दूसरे में उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है इट्स क्वाइट वाइड, थोड़ा सा लंबा होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को समझाना है और दूसरे पॉइंट में इसके ट्रीटमेंट के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमना क्या होता है, यानी कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। तो ये जो प्रश्न है इसमें आप चाहें तो इसे आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में शो करें, डायग्राम के फॉर्म में शो करें, या आप चाहें तो इसे फ्लो चार्ट और डायग्राम दोनों के फॉर्म में शो करें। तो सबसे बेटर ये होगा कि आप इसे क्या करें, डायग्राम साइड में एक सिंपल बना दें जिसमें आप 3 स्टेप्स बताएंगे। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, कहीं भी चोट लगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिन वो क्या करेगा, जाके दूसरे जो प्रोटीन्स होते हैं उन्हें एक्टिव करेगा और वो जाके दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिव करेंगे। तो ये जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड होता है ये 3 स्टेप्स में होता है। तो आपको क्या करना है वो तीनों स्टेप जो हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने, यानी आपको वो तीनों चरण के बारे में आपको यहाँ पर
एक्सप्लेन करना है और आप जिस भी फॉर्म में इसे बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उस फॉर्म का चयन करें, चाहे फ्लो चार्ट और डायग्राम दोनों या पैराग्राफ और डायग्राम दोनों। सबसे बेटर ये होगा कि आप स्टेप वन लिखिए, स्टेप टू एंड स्टेप थ्री, और आप उसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए और साइड में एक डायग्राम जो है वो बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कार्बन संश्लेषण के C3 एवं C4 चक्रों का अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल ऑफ कार्बन फिक्सेशन। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर डिफरेंस लिखने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, सपोज दिस इज अवर आंसर शीट, हमने क्या किया इसे दो भागों में बांट दिया, सबसे पहले हम लिख देंगे C3 साइकिल एंड नेक्स्ट इज द C4 साइकिल। आप जितने भी पॉइंट्स में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 60 वर्ड्स का, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाइंस आपको चाहिए होंगे, तो आप इन 6 लाइंस में आप क्या करेंगे, जितने भी डिफरेंस और उनमें भी जो मेन पॉइंट्स होते हैं या जो मेन डिफरेंस क्रिएट करते हैं C3 और C4 साइकिल में, उन्हें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। आप अगर चाहें तो इस कॉलम को आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे या लक्षण लिखेंगे जिनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हैं C3 और C4 साइकिल के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेंडल के वंशानुगत नियमों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंडल के द्वारा 3 नियम दिए गए थे, यानी 3 वंशानुगत नियमों का जो है वो एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मेंडल के द्वारा दिया गया था, जो कि मेंडल ने मटर के पौधों पर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा उनके ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो नियम उन्होंने दिए थे। तो उन 3 लॉस को आप जो है दो दो लाइंस में एक्सप्लेन करना चाहें तो आप सबसे पहले ये बता दें पहले लाइन में कि मेंडल ने किस प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, फिर सबसे पहला लॉ क्या था, दूसरा और तीसरा लॉ जो है वो क्या कहता है। तो इस प्रकार आपने क्या किया, इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया। अब आते हैं अब थर्ड सेक्शन में, यानी खंड 3 में, जो कि शब्द सीमा 100 के अंतर्गत आपको लिखनी है, यानी 100 वर्ड से आपको अधिक नहीं लिखना, और साथ ही साथ इसका अंक जो है वो कितने अंक का होता है, वो 8 अंक का होता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा चुके हैं और हम उन्हें किस प्रकार से जो है अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, जिसे हमें ये पता चले कि आगे जो प्रश्न आएंगे विगत वर्षों में तो वो किस प्रकार हम उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, सांस लेने में डायफ्राम की क्या भूमिका होती है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम इन ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक ब्रीदिंग बता देंगे कि ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग के सिंपल सा आप 2 स्टेप्स बता दीजिए और वहाँ पर डायफ्राम का रोल क्या होता है, क्यों, क्योंकि अगर हम ब्रीदिंग समझा देंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो प्रोसेस है क्या और वहाँ पर डायफ्राम जो है वो इस प्रोसेस को किस प्रकार करने दे रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसके डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। तो फिर हम सिंपली जो है वहाँ पर ये समझा सकते हैं कि डायफ्राम का रोल क्या होता है, वहाँ पर जो ब्रीदिंग है प्रोसेस को किस प्रकार वो रेगुलेट कर रहा है या उसका रोल क्या है ब्रीदिंग प्रोसेस में। दूसरा प्रश्न जो है वो है चक्रीय एवं अचक्रीय फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, यानी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साइक्लिक और एसाइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट होता है, तो ये जो साइक्लिक है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसे आप अगर समझाना चाहें तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरीके से समझा सकते हैं कि ये आपका आंसर शीट है, तो आपने क्या किया इसे 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। पहला जो रहेगा वो आपका लक्षण वाला रहेगा जिसके बेसिस पे आप इनके बीच में जो है आप इनको समझाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया इसकी भाषा लिख दिया, तो सबसे पहला है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो परिभाषा या डेफिनेशन में आपने समझा दिया कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो है वो क्या होते हैं। दूसरा आपने क्या किया उनके अब जो है दोनों में किस प्रकार से दोनों अलग हैं, तो वो आप क्या करेंगे एक एक करके समझा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है वो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल स्कोर और यू विल गेट मोर मार्क्स
इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज मानव के श्वसनांगों का सचित्र वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आपको यहाँ पर क्या करना है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझाना है, यानी जो मानव में श्वसन तंत्र है उस श्वसन तंत्र में कितने ऑर्गन या अंग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में आपको लिखना है. तो हमने क्या किया, हमें बहुत अच्छे से अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना है, तो हमने क्या किया यहाँ पर इस भाग को डायग्राम के लिए रख दिया. इस भाग में हम क्या करेंगे, मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे. हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र में जितने भी ऑर्गन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उसका एक क्या कर देंगे, हायरार्की बना देंगे. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो है वो क्या होता है, नेसल कैविटी होता है. फिर नेसल कैविटी से होता हुआ वो फेरेंस पहुँचता है, फेरेंस से होते हुए वो लैरेंस पहुँचता है. तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक लाइन बाय लाइन जो है हमने ये बता दिया कि किस प्रकार को चलना है. उसके बाद हम बताएंगे कि उनमें स्पेसिफिसिटीज अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसे हम बता देंगे. और सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या है, हमारा सबसे मेन ऑर्गन जो कि मानव श्वसन तंत्र का होता है वो होते हैं फेफड़े यानी लंग्स. तो उसे आप क्या करेंगे, थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए. तो ये जो है ये पूरा आपका क्या करेगा, आपके आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में मदद करेगा. क्यों, क्योंकि आपने साइड में डायग्राम बना दिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और यहाँ पर आप एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं. तो ये जो है ये बता रहा है कि हाउ बेटर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन, आप कितने अच्छे तरीके से जो है उस प्रश्न के बारे में या उस प्रश्न के उत्तर के बारे में आप जानते हैं. नेक्स्ट सेक्शन ई सेक्शन 4 यानी खंड 4, जिसमें कि शब्द सीमा जो है वो पहले क्या थी 250 बल्कि अब कितनी हो गई है 125, और वहीं ये जो अंक इसके 20 थे ये कितने का हो गया है, अब ये 10 मार्क्स का. और वही जो हमारा सेक्शन नंबर 5 था जिसमें कि शब्द सीमा जो थी वो 500 था, अब ये 175 हो गया है. और ये जो उसका 40 मार्क्स था ये कितने का हो गया है, ये 15 मार्क्स का हो गया है. तो पहले ये जो था ये इस प्रकार से इसकी शब्द सीमा और मार्क्स अलॉटमेंट था, बल्कि अब ये जो है वो पिछले साल से ही बदल गया है. जैसा कि आप सभी को पता होगा कि खंड 4 और खंड 5 में इसकी शब्द सीमा और मार्क्स अलॉटमेंट जो है वो दोनों ही बदल चुकी है. तो चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं. तो सबसे पहला है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, यानी पुष्प के विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन कीजिए. मेक अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर. तो यहाँ पर आपकी शब्द सीमा जो है वो कितनी है, 125 वर्ड्स की, यानी 125 शब्दों में आपके आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है. तो आप बहुत ही सटीक तरीके से पॉइंट वाइज आप क्या करेंगे, अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर मेन आंसर शीट. आपने क्या किया, जो फ्लावर का डायग्राम है आपको उसे वो बनाना है. तो जरूरी तो नहीं कि फ्लावर का डायग्राम इतना लंबा होगा. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना पोर्शन क्या किया, फ्लावर के डायग्राम में यूज कर लिया. अब मेरे पास ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है ये आंसर राइटिंग के लिए है. तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, हमने पुष्प का या फ्लावर का डायग्राम तो बना लिया, अब हम क्या करेंगे उसके विभिन्न भागों और उनके कार्यों के बारे में लिखना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो पुष्प के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमने फ्लावर के फीमेल पार्ट, फिर मेल पार्ट, फिर कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है. तो इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे मेन पार्ट जो होते हैं वो दो होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. तो जो सबसे मेन है उन्हें आप सबसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर आप जो है उसे धीरे धीरे एक्सप्लेन कीजिए, या आप उसके इनफ्लोरेसेंस के बेसिस पे जो है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या किया, कैलिक्स के बारे में बताया, कोरोला या पेटल्स के बारे में बताया, फिर आपने उसके मेल और फिर फीमेल पार्ट के बारे में बताया. तो और भी अच्छे तरीके से अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार हमने यहां पर
फ्लावर के डायग्राम के लिए निकाला था, तो हमने ये पूरा पार्ट ही डायग्राम के लिए निकाल दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर फ्लावर का डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने मेल पार्ट का डायग्राम बनाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, फीमेल पार्ट का डायग्राम बना दिया। कम स्पेस में हमने तीन डायग्राम्स बना दिए, उसके स्ट्रक्चर को समझा दिया। तो अब हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर को ना समझा कर भी अगर हम ना समझाना चाहें तो हम सिर्फ उस पार्ट के कार्य को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग क्या हैं, मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। इट मींस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हाउ रेस्पिरेशन अकर्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जा रहा है, यानी मानवों में श्वसन तंत्र में जितने भी अंग पार्टिसिपेट करते हैं या प्रतिभागी हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ इस प्रश्न के दूसरे सेक्शन में ये पूछा जा रहा है कि जो श्वसन है वो मनुष्यों में किस प्रकार होता है, यानी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को दो भागों में बांट दीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि जो शब्द सीमा है या जितना वर्ड्स है उसे आप दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। और फर्स्ट भाग में आप क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 125 वर्ड्स को आपने बाइफर्केट कर दिया, और आपने उस पर्टिकुलर वर्ड्स में फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, 60-65 वर्ड्स में आपने क्या किया, ये पहला वाला जो सेक्शन है वो एक्सप्लेन कर दिया, और जितने वर्ड्स बचे उसमें आपने क्या कर दिया, ये वाला सेक्शन जो है इस सेक्शन को रिप्रेजेंट किया। आप चाहें तो ये जो सेक्शन है मनुष्य में श्वसन कैसे होता है इसे आप फ्लोचार्ट के फॉर्म में भी समझा सकते हैं। बट ध्यान में रखिए कि यहाँ पर श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में पूछा है, तो आपको यहाँ पर डायग्राम जो है अवश्य बनाना है। यहाँ पर बिना डायग्राम के जो है आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि श्वसन तंत्र के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो दैट शुड बी क्लियर कि हाँ आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो एयर किस प्रकार मूव करता है और वो लंग्स या फेफड़ों तक पहुंचता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा खंड 5 यानी सेक्शन 5, और अब जो है इसकी शब्द सीमा भी बदल चुकी है और मार्क्स अलॉटमेंट भी बदल चुका है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो ये जो शब्द सीमा है बदलकर 175 वर्ड्स की हो चुकी है, और उसी प्रकार ये जो अंक हैं ये कितने हो गए हैं, ये 15 हो गए हैं। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, पाचन क्या है। मनुष्यों के आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के पाचन की क्रिया का वर्णन कीजिए एवं इनके प्रदूषण की प्रक्रिया को भी समझाइए। I'm sorry, this is not प्रदूषण, यहाँ पर इसके एब्सॉर्प्शन के प्रोसेस को हमें समझाना है, अवशोषण के प्रोसेस के बारे में हमें समझाना है। तो ये प्रदूषण ना होकर ये क्या है, ये है अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझाना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है, इसे हमें अटेम्प्ट करना है 175 वर्ड्स में। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर पूछा गया है पाचन क्या होता है, यानी व्हाट इज डाइजेशन पूछा गया। सिंपली आप डाइजेशन लिखिए और डाइजेशन को एक्सप्लेन कीजिए। फिर आप पूछा गया है कि मनुष्यों के आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के पाचन तंत्र की, बहुत अच्छे से आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा एक जो हायरार्की है, फॉर एग्जांपल ये जो डाइजेशन सिस्टम है इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले तो आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में आप पूरा का पूरा एक हायरार्की बताइए कि माउथ आता है सबसे पहले, देन इट्स फेरेंस आता है, फेरेंस के बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब सबसे पहला आपका मुख गुहा आएगा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद जो है यानी ईसोफेगस के बाद क्या आता है, आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और फिर जो है इस प्रकार अपचित जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर कर दिया जाता है। तो आप सिर्फ इसे दो लाइन में एक्सप्लेन कीजिए कि आहार नाल में किस प्रकार जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो हायरार्की क्या होती है वो आप बता दीजिए। दूसरा जो आपका मेन है वो है पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियों के स्पेसिफिक ना जाते हुए आप सबसे पहले ये बताइए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, और कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से प्रोटीन के लिए,
और कौन से जो है वो फैट्स के लिए। सेकेंड यानी थर्ड पॉइंट में आप ये समझाएंगे कि इनका अवशोषण कहाँ होता है। तो आप ये बताएंगे कि इनका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या अधिक से अधिक अवशोषण होता है ये छोटी आंत में हो जाता है, बल्कि बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जल का अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, उसकी संरचना को बताइए और साथ ही साथ इसके महत्व का वर्णन कीजिए। यानी डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए के बारे में आपको बताना है। तो जैसे कि डीएनए के बारे में बताना है, इट मीन्स आप क्या करेंगे, इस सेक्शन में डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले, फिर आप बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर जो है आप मैक्सिमम 7 to 8 पॉइंट्स में समझा सकते हैं। और फिर सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में आप ये बताएंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगर आप चाहें तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि डीएनए जो होता है वो तीन कंपोनेंट से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजन क्षार, दूसरा क्या होता है शर्करा यानी शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फोरस यानी फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद आप आएंगे उसकी संरचना को एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, और तीसरे पॉइंट में आप इसके महत्व को समझाइए। फिर ये जो क्वेश्चन है आपने क्या किया, डायग्राम बना दिया और तीन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में आपने इस प्रश्न को समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना को बताइए एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, यानी With the help of label diagram, describe the structure and working of human heart. यहाँ पर तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ही है, तो आप क्या करेंगे, 175 वर्ड्स में आपको पूरे आंसर पे एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम भी जो है वो बनाना है। तो सबसे पहले आपने अपनी आंसर शीट के लिए क्या किया, डायग्राम के लिए स्पेस निकाल दिया, उस स्पेस में आप डायग्राम बनाइए। सबसे जो मेन पॉइंट होगा या सबसे पहला पॉइंट जो है जिसमें आपको क्या बताना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो आप बता दीजिए कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, नीचे वाले 2 चैम्बर्स क्या कहलाते हैं, उन 2 चैम्बर्स के बीच में कौन सा वैल्व प्रेजेंट होता है या कपाट पाई जाती है, उस कपाट का नाम लिख दीजिए, ठीक है, कौन कौन सी आर्टरीज, कौन कौन से वेन्स पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आप स्पेसिफिक जो है उनके नाम लिखते जाइए और सिर्फ उनके एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। नेक्स्ट में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसके वर्किंग को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो वर्किंग है आप सिंपली फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप इसे बहुत ही बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम तो बना ही रहे हैं, तो आप इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो है वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किए हैं ये 2016, 17 और 18 में पूछे जा चुके हैं, और ये हमने एनालिसिस किया है कि ये जो ह्यूमन हार्ट वाला क्वेश्चन है ये हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप ये मत समझिए कि हमने जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हें ही हमने डील किया है, आप ये देखते हुए चलिए कि आपको किस प्रकार जो है प्रश्नों का उत्तर लिखना है या आपकी उत्तर लेखन शैली जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो जरूरी नहीं कि इन्हीं में से आए, बट किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ ये जो क्वेश्चंस हैं इन्हें घुमा फिरा के जो है वो पूछे जाते हैं। जिस प्रकार ह्यूमन हार्ट के बारे में हमने देखा है कि हर वर्ष जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा कि किस प्रकार आप जीव विज्ञान के प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ डायग्राम्स एंड विथ फ्लो चार्ट्स। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जीव विज्ञान के या बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें डायग्राम जो है अगर पॉसिबल है तो वो ज़रूर बनाएं, और अगर कहीं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप उसे समझा सकते हैं तो ज़रूर समझाएं, स्टेप्स के फॉर्म में समझा सकते हैं तो आप उसे ज़रूर समझाएं। क्यों, क्योंकि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्राम, दूसरा फ्लो चार्ट एंड थर्ड इज द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जीव विज्ञान के उत्तर को अटेम्प्ट करें एंड दिस विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। तो
ये रहा हमारा जीव विज्ञान का मेंस एनालिसिस वाला सेक्शन सुनने के लिए. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस. थैंक यू एंड टेक केयर. CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें.